ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। आज एक नई जिंदगी में क्या मुसीबतों के बीच हरि प्रसाद को दिखेगी आशा की किरण और CBN ने रेणुका का मुफ्त इलाज किया। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय जयति जयति मम भारत जयति अंधकार हर ले ज्योतिर्मय कर दे प्रेम गीत में क्षमा की लय पर एकता का स्वर दे जयते 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 मम भारत जयते 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 मम भारत जयते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट समीर। और मैं हूँ आशिमा। मेरे और समीर की तरफ से आप सबका एक नई जिंदगी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन में निराशा के बारे में। कई बार हम ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं जो हमारे जीवन की खुशी छीन लेता है, हमारा चैन चला जाता है, हमें लगता है ये क्या हो रहा है। शायद आर्थिक स्थिति हो, शायद बिगड़ते रिश्ते हो, या कोई गंभीर बीमारी आपके परिवार में हो। शायद आज आप अपनी परेशानियों के सामने बेबस और लाचार खड़े हुए हों, या फिर आप या आपके रिश्तेदार एक ऐसी परेशानी में घिर गए हो जिससे बाहर निकलने का रास्ता आपको नहीं पता है, या फिर आपकी बढ़ती हुई मुश्किलों ने आपकी जिंदगी से आशा की आखिरी किरण भी छीन ली हो। हरि प्रसाद के आंखों के सामने उसका परिवार का कारोबार पूरी तरह से बर्बाद हो गया, उसकी माँ को कैंसर हो गया, और ऐसी परिस्थिति में हरि प्रसाद बहुत डिस्करेज हो गया, निराश हो गया, सोचने लगा ये क्या हो रहा है मेरे परिवार में। क्या हरि प्रसाद के जीवन में एक नया मोड़ आया, आइए देखते हैं। मेरे परिवार ने जीवन में कई समस्याओं का सामना किया। मेरे पिता को धोखा मिला और मेरी माँ को स्वास्थ्य की समस्या से जूझना पड़ा, लेकिन कोई था जो हर समय हमारे परिवार को देख रहा था। हरि का जन्म एक अमीर घराने में हुआ था, लेकिन एक दिन उनके पिता को उनके बिजनेस पार्टनरों ने धोखा दे दिया और इस वजह से उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। जीने के लिए माता पिता को एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोलनी पड़ी। हमारा परिवार बहुत गरीब हो चुका था, जो भी आमदनी होती उससे हमारा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता था। एक दिन एक मसीही महिला जो उनकी दुकान पर आया करती उनके घर आई और उनको यीशु के बारे में बताने लगी। उन्होंने मेरी माँ को बाइबल दी और मेरी माँ ने उसे पढ़ना शुरू किया। उस समय मैं स्कूल जाया करता था। हम हर रविवार चर्च जाने लगे, हम जीवन की सच्चाई को समझने लगे। फिर कुछ ही महीनों के अंदर हरि और उनके पूरे परिवार ने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया। वक्त गुजरा और हरि ने अपनी पढ़ाई पूरी कर एक एयरलाइंस कंपनी में काम करना शुरू किया। मैं कमाने लगा और हमारा परिवार फिर से फलने फूलने लगा। हम बैंगलोर आए और एक छोटे से घर में रहने लगे। कई सालों तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा और हरि एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक से उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई। एक दिन हमको पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है। उनको गले का कैंसर था जो पहली स्टेज पर था। जब हम डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि उनका वोकल कॉर्ड निकालना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम्हारी माँ का वोकल कॉर्ड निकाल दिया गया तो उसके बाद वो जीवन भर नहीं बोल पाएंगी। ये सुनकर हरि बेहद परेशान हो गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे भी तो क्या। मैंने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर मेरे साथ ही क्यों? हम पिछले 13-14 सालों से आपकी सेवा करते आए हैं, मैं आपको जानता हूँ, हम नियमित चर्च जाते हैं, मेरी माँ एक अच्छी गायक है, वो हर हफ्ते चर्च जाती है, फिर हमारे परिवार के साथ ही ऐसा क्यों? उसके बाद हरि ने फिर डॉक्टर से पूछा कि क्या ऑपरेशन के अलावा उनकी माँ की आवाज को बचाने का कोई और तरीका है या नहीं। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि ऑपरेशन के अलावा एक और रास्ता है और वो है कीमोथेरेपी। फिर डॉक्टर ने कहा कि जरूरी नहीं है कि कीमोथेरेपी से उनका कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। फिर मैंने एक चांस लेते हुए कहा कि हम
कीमोथेरेपी करवाएंगे, ऑपरेशन नहीं। कीमोथेरेपी दवा के जरिए कैंसर का इलाज करने का मेडिकल ट्रीटमेंट है, लेकिन इस इलाज की वजह से हरी की मां के फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया और अब उनको फिर से सर्जरी कराने की सलाह दे दी गई। उस समय मेरा दिल टूट गया। परमेश्वर, हमने काफी पैसे खर्च किए हैं, आपसे प्रार्थना भी की है, मेरे परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? फिर मैंने कहा, परमेश्वर आप ही मार्ग हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। हरी अपनी माँ की बीमारी के लिए यीशु से मदद मांगते और उनसे प्रार्थना करते रहे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी माँ को इतना सब के बाद अब और बहुत कुछ झेलना पड़े और उनकी आवाज हमेशा के लिए चली जाए। उस समय मैं अपने पास्टर के पास गया और उनसे और अपने चर्च के सदस्यों से अपनी माँ के लिए प्रार्थना करने का निवेदन किया। साथ ही बाहर से आए एक पास्टर ने भी मेरी माँ के लिए प्रार्थना की। हरी भी अपनी माँ के स्वस्थ होने के लिए कई दिनों तक लगातार प्रार्थना करते रहे और कुछ दिनों के बाद वो अपनी माँ को डॉक्टर के पास दोबारा चेकअप के लिए ले गए। उन्होंने कहा कि अब गले में कैंसर नहीं है और वो बिल्कुल ठीक है। मेरी माँ का इलाज 3 डॉक्टरों ने किया था और एक डॉक्टर तो रिपोर्ट देखकर अचंभित थे। इन्होंने देखा कि 2 ही महीने पहले कैंसर था और अब वो गायब हो गया है। डॉक्टर आश्चर्यचकित थे। हरी खुद भी अचंभित थे, लेकिन उनको पता था कि यीशु के चमत्कार के कारण ही उनकी माँ का कैंसर ठीक हो गया था। I burst out of tears. मैं पूरी तरह से रोने लगा। मैंने कहा, आप जीवित परमेश्वर हैं, मैं जीवन भर आपको नहीं भूल पाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए मैं आपके पीछे चलूंगा, मैं आपकी और आपके राज्य की सेवा करूंगा। परमेश्वर ने अपने राज्य की सेवा के लिए मुझ में उमंग भर दी थी। हरी जानते हैं कि यीशु की वजह से ही आज उनका परिवार स्वस्थ है और आर्थिक रूप से मजबूत भी। उनकी और उनकी माँ के जीवन में यीशु ने जो कुछ भी किया वो इसकी गवाही दूसरों को बताते हैं, ताकि दूसरे भी उस इकलौते परमेश्वर को जाने और वो भी उनकी तरह ही खुशहाल और अनंत जीवन को पाएं। जैसे बाइबल के भजन संहिता 91 में कहा गया है, जहाँ कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा, उसी तरह से परमेश्वर ने मेरा ध्यान रखा। एक बार नहीं, 3 बार जब मेरे पिता को धोखा मिला, उन्होंने मेरे परिवार का ध्यान रखा, उन्होंने मेरी पढ़ाई में मदद की और सबसे बड़ी बात, उन्होंने मेरी माँ के कैंसर को ठीक किया। यीशु ने मुझे जीवन में 3 बार मुश्किलों से उबारा। अगर मैंने यीशु को नहीं जाना होता तो मैं आज जीवित भी नहीं होता। जब हम बुरी परिस्थिति से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि ये क्यों हो रहा है। यीशु के शिष्य यीशु के पास एक बार आए और एक अंधा लड़का उनके सामने था और उन्होंने यीशु से पूछा, ये क्यों अंधा है? क्या इसके पाप या इसके माँ बाप के कारण ऐसा हुआ है? यीशु ने उत्तर दिया, नहीं, इसके पाप और इसके माँ बाप के पाप के कारण ये अंधा नहीं है। ये अंधा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का कार्य दिख सके। और वो लड़का पूरी तरह से चंगा हो गया, उसकी रोशनी वापस आ गई। हरि प्रसाद के जीवन में ऐसा ही हुआ। ऐसी परिस्थिति में उसके माँ के कैंसर के दौरान उसने तब पता चला कि परमेश्वर आकर कैंसर को चंगा कर दिया। उसकी परिस्थिति में परमेश्वर आया और परमेश्वर की महिमा हुई। अगर आप अभी तक परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे कि आप परमेश्वर को जान सकें और वो आपकी मदद करेगा कि आप इस परेशानी से बाहर आ सकें और एक शांति और सुकून की जिंदगी जी सकें। इस वक्त हम चाहेंगे समीर कि आप हमारे दर्शकों के लिए प्रार्थना करें। आपकी जो भी परिस्थिति है, इस समय आशा न छोड़ें। हम प्रार्थना करेंगे कि क्या पता अचानक परमेश्वर कल आपकी परिस्थिति को बदल सकता है, और हम प्रार्थना करेंगे कि तुरंत आप देखेंगे कि वो एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम जानते हैं कि तू अपनी महिमा दिखाना चाहता है। हम जानते हैं कि तू चाहता है कि लोग देखें कि प्रभु तू चमत्कार कर सकता है। और हम हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो एक बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं प्रभु, चाहे वो आर्थिक दशा हो, चाहे वो परिवार में हलचल हो प्रभु, चाहे वो बीमारी हो, जो कुछ भी हो प्रभु, हम मांगते हैं कि उनके जीवन में तू आएगा और तू अपनी महिमा दिखाएगा,
तू अपना चमत्कार दिखाएगा परमेश्वर, कि लोग जैसे हरि प्रसाद ने देखा, देख पाएंगे कि तू एक भला परमेश्वर है, तू एक चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हम सारे परिस्थितियों को तेरे सामने रखते हैं प्रभु, और मांगते हैं तेरा चमत्कार तू करेगा यीशु, तेरे नाम से हम मांगते हैं, आमेन। जब आप अपनी परिस्थिति में ये चमत्कार देखेंगे, हम चाहते हैं आप हमसे संपर्क करें, आप हमें बताइए किस तरह यीशु ने इस प्रार्थना का उत्तर दिया और आपकी जिंदगी में आपने चमत्कार को चखा है। हमारे प्रिय एजेंट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, फोन उठाइए और हमें इसी वक्त फोन करिए। दोस्तों आज हम आशा के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको देना चाहते हैं ये पुस्तक जिसका नाम है आशा ना छोड़ें। इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ सकते हैं, और इसको मंगवाने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं cbnindia.tv पर, या फिर आप खत या ईमेल के द्वारा हमसे ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। अगर हरि प्रसाद की कहानी से आप प्रेरणा पाए हैं, आशीष पाए हैं, दूसरे लोग मजबूती पाए हैं, हम चाहते हैं कि ऐसी कहानी से कई और लोग भी प्रेरणा पा सके। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने ऐसा कुछ किया है तो हम चाहेंगे कि आप हमसे बांटें। आप हमारे वेबसाइट पे या फोन करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी कहानी दर्शकों को दिखाना चाहेंगे ताकि वो भी मजबूती पा सकें। हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा, लेकिन अभी समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं ये संदेश जो कि हिम्मत के बारे में है। कभी किसी झुंड से बाहर कर दिए जाना, कभी किसी का प्यार हासिल न कर पाना, तो कभी अपने आप को किसी के लायक न समझना। अगर आप अस्वीकार और तिरस्कार की इन भावनाओं से जूझ रहे हैं तो आज ही हमें कॉल करें 0124-428-6777 पर, या SMS करें 9910-401-010 पर। हमारे सलाहकार आपके लिए दुआ करेंगे और ऐसे परमेश्वर से मिलवाएंगे जो आपको आप जैसे हैं वैसे ही स्वीकार करता है। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे रेणुका को एक नॉर्मल जीवन जीने का मौका दिया CBN ने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों आज हम आपको ले चलते हैं आंध्र प्रदेश रेणुका से मिलने। उसके माता पिता रेणुका के क्लेफ्ट लिप को लेकर बहुत ही चिंतित थे और उनके पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ऐसे में पहुंची सीबिन की टीम रेणुका की मदद करने के लिए। आइए देखते हैं सीबिन की टीम ने कैसे इस नन्ही सी बच्ची की मुस्कुराहट दोबारा वापस लौटाई। मेरा नाम रेणुका है। मेरे सहपाठी मुझे ये कहकर चिढ़ाते हैं कि मैं अच्छी नहीं दिखती। मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसे ही पैदा हुई हूँ। 8 साल की रेणुका आंध्र प्रदेश के दूर दराज के एक गांव में रहती है। बड़े होते हुए अपनी इस विकृति के कारण काफी उपहास का सामना करना पड़ा है। उसको जन्म से ही कटे होंठ और पैलेट की समस्या थी। उसके साथ इस तरह के बर्ताव से उसके माता पिता काफी दुखी थे, लेकिन गरीब खेतीहर मजदूर होने के नाते वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब रेणुका कटे होंठ के साथ पैदा हुई, हमें बहुत बुरा लगा था क्योंकि वो सामान्य नहीं था। मैंने उसकी परवरिश के लिए संघर्ष किया। मैं दूध खरीद कर उसको गर्म करती और चम्मच से उसे पिलाया करती। यहाँ तक कि पड़ोसियों के द्वारा उसके माता पिता को भी अपमानित होना पड़ता। रेणुका की विकृति की वजह से उनको कई सामाजिक मौकों से अलग रखा जाता। हर समय बच्चे उसको चिढ़ाया करते, जैसे तुम्हारे होंठ ऐसे हैं, तुम्हारे होंठ वैसे हैं। और वो घर आकर कहती कि हर कोई मुझे चिढ़ाता है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। मेरे पति दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर हैं, जो भी वो कमाते हैं
उससे खाना खरीदना और गुजारा ही हो पाता है। लेकिन उसकी स्थिति को ठीक करने के लिए हम ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा सकते। ये सब कुछ बदलने वाला था। सीबीएन आगे आया और रेणुका के होठों की सर्जरी को मुमकिन बनाया ताकि उसको एक नई मुस्कुराहट और एक नया जीवन मिल सके। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसको दो समस्या हो जाएंगी, व्यवहारिक और कॉस्मेटिक। जो भी वो खाएंगी वो बाहर आ जाएगा, नाक में और कान में नियमित तौर पर संक्रमण रहेगा और उसको बोलने में भी परेशानी होगी। इसके अलावा उसको प्रसादन संबंधी समस्या रहेगी, उसको समाज में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस ऑपरेशन के द्वारा उसको इन समस्याओं से निजात मिल जाएगी। सर्जरी ने रेणुका को न केवल एक नई मुस्कुराहट दी बल्कि उसको एक नया आत्मविश्वास और समाज में जगह भी दी। अपनी नई मुस्कुराहट के साथ वो खुशी से वापस स्कूल जाने को तैयार है। सर्जरी के पहले रेणुका को तुच्छ महसूस होता था। अपने दोस्तों के साथ आने जाने में वो झिझकती थी, यहाँ तक कि जब वो ऊंचे स्वर में पढ़ा करती, क्लेफ्ट लिप की वजह से उसकी आवाज भी साफ नहीं आती। अब ऑपरेशन के बाद वो अच्छा कर रही है, वो सबके साथ घूमती और खेला करती है। नरसैया और नरक्का अब रेणुका को देखकर खुश हैं। उसके भविष्य को लेकर उनकी चिंताएं अब दूर हो चुकी हैं। बेटी के जीवन में परिवर्तन को देखकर वो बेहद आभारी हैं। अब कोई मुझे चिढ़ाता नहीं, ऑपरेशन के लिए धन्यवाद। अब हमारे सभी पड़ोसियों ने हमें स्वीकार कर लिया है, रेणुका को अब कोई नहीं चिढ़ाता। मेरी बेटी का ऑपरेशन करवाने के लिए धन्यवाद। अभी आपने देखा किस तरह सीबीएन की टीम ने रेणुका का मुफ्त इलाज कराया। ऐसे ही सीबीएन भारत भर में अलग अलग लोगों को मदद कर रहा है, सेवा कर रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी झलक आप इस समय देखें। के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। वह इस कारण सुख से रहता था क्योंकि वह दीन और दरिद्र लोगों का न्याय चुकाता था। क्या यही मेरा ज्ञान रखना नहीं है? यहोवा की ये वाणी है। सीबीएन कई सालों से पूरे भारत भर में गरीब और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचकर उनको मुफ्त भोजन, शिक्षा, मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के अलावा उनके पीने के स्वच्छ पानी के लिए बोरवेल लगाकर भी उनकी मदद करता आ रहा है। साथ मिलकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से सीबीएन की टीम लोगों की सहायता करती है, उनकी मदद करती है। हमें देखकर बहुत अच्छा लगता है कि जब आप अपना अनुदान हमें भेजते हैं उसके ज़रिए हम लाखों लोगों की मदद कर पाते हैं। जब उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखते हैं तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ आपकी वजह से होता है, आपकी सहायता की वजह से होता है। दोस्तों, जब आप किसी की मदद करते हैं परमेश्वर की आशीष तो आपको मिलती है, साथ ही साथ उन लोगों की दुआएँ भी आपको मिलती हैं। इसी तरीके से हम अपनी सहायता हम तक पहुंचाते रहिए। जब आप अपनी सहायता हम तक पहुंचाते हैं तब आप सीबीएन के पार्टनर बन जाते हैं और हम अपने सभी पार्टनर को देना चाहते हैं एक नई जिंदगी का ये सीडी। इस सीडी को देखकर आप प्रोत्साहित होंगे और देख पाएंगे किस तरीके से सीबीएन आपके अनुदान के जरिए लोगों की मदद करता है। दोस्तों, आप अपना अनुदान हमें सीबीएन फाउंडेशन के नाम पर भेज सकते हैं। हमारा पता है सीबीएन फाउंडेशन, पीस ट्री कॉम्प्लेक्स, थर्ड फ्लोर, ब्लॉक सी, सुशांत लोकवान, गुड़गांव, दिल्ली NCR, 12009, इंडिया। हमें आपके संपर्क का इंतजार रहेगा, लेकिन अभी समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जरूर लौटेंगे, लेकिन तब तक आप देखिए ये संदेश। आप हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.cbnindia.tv। या हमें कॉल करें 01244286777 पर। मार्गदर्शन और प्रार्थना करवाने के लिए हमें 0991-0401010 पर SMS करें।
आपके भेजे ईमेल्स और एसएमएस पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। दोस्तों, प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वो आकर हमारे बीच में चमत्कार करता है। हमें खुशी है कि आप ये विश्वास करते हैं, इसलिए आप हमें एसएमएस और ईमेल भेजते हैं, प्रार्थना निवेदन भेजते हैं और हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। इस समय भी हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। एक एसएमएस आया है हमारे पास देवेंद्र कुमारी का और वो लिखते हैं कि मेरे पिताजी गुजर गए और मैं बहुत टेंस्ड हो गया हूँ। हम आपसे कहना चाहेंगे कि परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, वो आपके साथ रहेगा। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे देवेंद्र जी। ये अगला एसएमएस जो हमारे पास आया है, ये हमें जॉय ने भेजा है और जॉय नाइजीरिया से आई हैं अपने हस्बैंड के साथ। उन्हें कैंसर है, वो अपने इलाज के लिए इंडिया आई हैं और वो चाहती हैं कि हम इनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उनका मानना है कि प्रार्थना में बहुत शक्ति है और प्रार्थना से वो सब कुछ हो सकता है जो शायद डॉक्टर ना कर पाए। जॉय, हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और आप निराश ना हो, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। इस वक्त हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करेंगे जो हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। दोस्तों, अभी हम इन सब के लिए प्रार्थना करेंगे और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हो। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो इस दिन के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं देवेंद्र के लिए। आप देवेंद्र के साथ हो, इन्होंने अपने पिता को खोया है प्रभु और ये बहुत निराश है। परमेश्वर, हम चाहेंगे कि आप देवेंद्र को साहस दें, धीरज दें और प्रभु ये विश्वास दिलाएं कि आप उनके साथ हैं और कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं जॉय के लिए परमेश्वर, जो यहाँ पर अपने कैंसर के इलाज के लिए आई हैं। प्रभु, हम नहीं जानते प्रभु कि आपने इनके लिए क्या योजना की है, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप, यदि आपकी मर्जी है प्रभु, तो आप इन्हें चंगाई ज़रूर देंगे। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, होने दे कि ये जिस डॉक्टर के पास जाती हैं, जो ट्रीटमेंट लेती हैं प्रभु, होने दे कि वो सफलतापूर्वक हो सके और इनको कैंसर से निजात मिल सके। प्रभु, हम प्रार्थना करना चाहते हैं उन सब लोगों के लिए जो हमारे कार्यक्रम को देखते हैं। परमेश्वर, होने दे कि इस वक्त वो अपनी परेशानियों को आपके सामने रखते हैं प्रभु, और होने दे कि उनके विश्वास के हिसाब से प्रभु और आपके समय के अनुसार उनके जीवन में जो कोई भी परिवर्तन आए, जो भी मिरेकल्स हों प्रभु, होने दे कि वो सब उनके जीवनों को बदल सके और वो अपने जीवन को एक नए सिरे से परमेश्वर शुरू कर सकें और ये जान सकें कि हर मुश्किल में, हर परिस्थिति में आप हमारे साथ रहते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद देती हूँ कि आप एक अच्छे पिता हैं और हमेशा हमेशा हमारे साथ बने रहते हैं। इस प्रार्थना को सुनने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन। आमेन। दोस्तों, याद रखिए कि हर परिस्थिति में, जैसे हमने आपको बताया, परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए और किसी भी परेशानी में आपको किसी भी तरीके की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, परमेश्वर आपके साथ हैं और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे कार्यक्रम के बारे में और जानना चाहते हैं, परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं, जब आप हमसे संपर्क करते हैं, आप हमसे एक नई जिंदगी का न्यूज़लेटर मंगवा सकते हैं। इस न्यूज़लेटर में आप परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम के बारे में बहुत सारी जानकारी पा सकते हैं। ये न्यूज़लेटर हमारे पास इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आपको न्यूज़लेटर हिंदी में चाहिए तब आप टाइप कर सकते हैं NH, और अगर आपको न्यूज़लेटर इंग्लिश में चाहिए तब आप टाइप कर सकते हैं NE, और अपना नाम लिखें, अपना पता लिखें और उसे आप भेज सकते हैं 9910401010 पर। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कई बार परमेश्वर चमत्कार किया है। हम चाहते हैं कि आप उस वचन को पढ़ें, सुने और मजबूती पाइए। आइए इस समय इस संदेश को हम देखते हैं। यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है।
आज आपने हमारे कार्यक्रम में देखा किस तरीके से हरिप्रसाद का जीवन बदल गया और सीबीएन की टीम ने रेणुका की मदद कैसे करी। दोस्तों, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं हमारे प्रेयर सेंटर के बारे में। अब हमारे प्रेयर सेंटर सातों दिन खुले रहते हैं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, हमें जरूर फोन करिए। अब समय आ गया है कि हम आपसे इजाजत लें, लेकिन हम आपको याद दिलाना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में परमेश्वर ने हमसे कई चीजें बताई है और परमेश्वर चाहता है कि हम अपेक्षा करें, आशा न छोड़ें, अपेक्षा करें कि परमेश्वर एक चमत्कार आपकी जिंदगी में कर सकता है। जय मसीह की, जय मसीह की।